नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट डज दिस डेटा से, ये डेटा क्या कहता है। वेलकम फ्रॉम अ वेरी वेट हैदराबाद। यहाँ पिछले दो दिन से बारिश हो रही है, साइक्लोन गुलाब आया हुआ है और जैसा कि हर जगह होता है जब बारिश आती है तो हमारा शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्रम्बल कर जाता है, वैसा ही कुछ हाल यहाँ पर भी हुआ है। चलिए आज का टॉपिक के बारे में बताते हैं कि बीमारू स्टेट्स, जिन्हें हम बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नाम से जानते हैं, क्या आज भी वो बीमारू हैं? आर दे स्टिल अ ड्रैग ऑन इंडियाज इकोनॉमी? तो आज का जो एजेंडा है उसमें हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे, डू यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जो बीमारू स्टेट्स हैं, डू दे स्टिल कैरी दी टैग बीमारू? क्या आज भी वो बीमारू ही कही जाती हैं? इसके लिए इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको एंड तक ये प्रोग्राम देखना होगा, जहां पे आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जवाब क्या है। शुरू करूंगा मैं SDG से, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो डिफाइन किए हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जिसमें भारत भी हिस्सेदार है। हर साल ये रिपोर्ट बनती है, मैंने पिछले किसी एपिसोड में इसका जिक्र भी किया था। वहां से हम देखेंगे ये स्टेट्स की रैंकिंग क्या है, फिर बात करेंगे GDP के बारे में, उसके बाद पॉपुलेशन की और लास्ट में कुछ पैरामीटर्स ऐसे जो कि सिग्निफिकेंट हैं किसी भी राज्य के लिए अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आप हमारे इस चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम फेसबुक पर भी हैं व्हाट डज दिस डेटा से नाम से, वहां पे भी प्लीज फॉलो करिए। पिछले दिनों कुछ लोगों ने मेरे को लिखा था कि जो मैं रेफरेंसेस देता हूँ जो आर्टिकल्स की, वो उसको डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं ये आपसे, मैं अपना यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है या फेसबुक का डिस्क्रिप्शन है, वहां पे जो सिग्निफिकेंट लिंक्स हैं वो मैं डाल दूंगा और ये डॉक्यूमेंट्स आप खुद भी डाउनलोड करके इन्हें देख पाएंगे। ये टर्म बीमारू कहाँ से आई? आशीष बोस, जो कि एक बड़े प्रोमिनेंट इंडियन डेमोग्राफर और इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म का इजाद किया था। ये टर्म बनाई गई थी mid-80s में, जहां पे वो बताना चाहते थे उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कि जो स्टेट्स जो के लैग कर रही हैं या पिछड़ी हुई हैं, उनके लिए अलग से ही ध्यान देना पड़े। आशीष बोस जी का मानना था कि अगर शरीर का कोई हिस्सा बीमार है तो उसका इलाज करना जरूरी है, नहीं तो पूरा शरीर अफेक्ट होगा। और इसीलिए उन्होंने राजीव गांधी को ये कहा था, ये टर्म उन्होंने कॉइन की थी, बीमारू स्टेट, जो कि पिछड़ी हुई स्टेट थी, कि इनको खास ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप गूगल करेंगे कि ये स्टेट अभी भी बीमारू हैं क्या, तो कुछ बड़ी डाइवर्जेंट से व्यूज आपको मिलेंगे। जैसा कि ये ट्वीट है जो राजदीप सरदेसाई ने किया था पिछले साल जब सेकेंड वेव कोरोना की आई थी, डेमोग्राफर आशीष बोस कॉइन द टर्म बीमारू एटसेट्रा, रियलिटी इज लैक्स ऑफ माइग्रेंट्स वॉकिंग बैक टू देयर विलेजेस। ये थोड़ा अनरिलेटेड सा कमेंट है। हर अखबार का, हर मीडिया का अपना अलग असेसमेंट है, वो कितना इसके डिटेल में गए हैं वो मालूम नहीं है। कुछ कहते हैं लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, बीमारू स्टेट्स आर प्रोग्रेसिंग, और लाइव मिंट है वो कह रहा है स्टेट्स डेवलप कर रहे हैं लेकिन कैच अप नहीं कर रहे, और हिंदू के हिसाब से बीमारू स्टेट्स द शू स्टिल फिट्स इन। तो चलिए असलियत देखते हैं, हम डेटा को देखेंगे ना के राजनीति को। आई जस्ट लाइक टू मेक एन ओपनिंग रिमार्क। आजकल एक हवा सी चल गई है मुख्यमंत्रियों की कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स देने लगे हैं टीवी पर, प्रिंट मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर। आप देखेंगे कि लंबे लंबे एड्स आते हैं और महंगे एड्स आते हैं। मोस्टली ये उन स्टेट से आएंगे जहां पे कुछ छुपाने की जरूरत है, जैसा कि यूपी है या बिहार है। आप डेटा को देखिए, आप इन एड्स पर मत जाइए, क्योंकि जो असलियत है वो नंबर्स में ही छुपी हुई है। बीमारू स्टेट्स का भी यही है,
ये पिछले 50 साल से 60 साल से इनमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है एंड दे रिमेन अ ड्रैग ऑन आर इकोनॉमी. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम आर नेट रेवेन्यू इम्पोर्टर्स. जो सेंट्रल टैक्सेस हैं उसका 41-42% वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो होता है पॉपुलेशन के बेस पर. तो जो महाराष्ट्र एक्सेस या कर्नाटक एक्सेस कर रहा है वो चाहता है यूपी और बिहार को, और वहां पे क्या हालत है, कैसे खर्च होता है, इस पे कर्नाटक या महाराष्ट्र का कोई कंट्रोल नहीं होता है. ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पॉलिटिशियंस, लोकल जो गवर्नेंस है वो डिसाइड करते हैं. तो क्यों नहीं 50-60 साल में इतनी जो रिच स्टेट्स हैं, जो एग्रीकल्चर में सबसे आगे हैं, जीडीपी हाई है, वो क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पा रहे हैं? इट्स वेरी इजी फॉर अस टू पॉइंट अ फिंगर एट पॉलिटिशियन, बट एज दे से व्हेन यू पॉइंट अ फिंगर एट अदर्स, फोर पॉइंट बैक एट यू. क्या हम पॉलिटिशियन ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में. ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का रैंकिंग. ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं. 16 गोल्स यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं. हर कंट्री उन गोल्स पर हर साल नापा जाता है. हर साल का टारगेट खुद ही सेट करते हैं और धीरे धीरे हर गोल को हर देश को जो उसका स्कोर है वो 100 तक पहुंचना है सन 2030 तक. तो इंडिया में हर स्टेट का अलग रैंकिंग होती है, और अगर आप देखें जो हमारी सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, झारखंड भी मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड किया है कि जब ये डेफिनेशन बीमारू की बनी थी, दैट टाइम झारखंड वाज नॉट फॉर्म्ड, इट वाज पार्ट ऑफ बिहार स्टेट्स. सो फॉर दिस एनालिसिस आई हैव इंक्लूडेड झारखंड ऑल्सो. तो अगर आप देखेंगे तो ये 4-5 स्टेट्स बॉटम हाफ में है, और सबसे नीचे बिहार है, फिर झारखंड, यूपी, राजस्थान, और सबसे ऊपर मध्य प्रदेश है इन द बॉटम हाफ. द सेम थिंग हियर आई एम शोइंग ग्राफिकली फ्रॉम द सेम रिपोर्ट. अगर आप देखेंगे तो जो येलो एरियाज हैं उनको परफॉर्मर बोलते हैं, और जो ग्रीन है वो फ्रंट रनर है. एक्चुअली दीज पीपल आर वेरी लिबरल इन देयर टर्मिनोलॉजी. वो किसी को पिछड़ा हुआ नहीं बोलना चाहते. तो पूरा देश क्लियरली दो हिस्सों में बांटा है, एक जो थोड़ा एडवांस्ड है ऑन एसडीजी परफॉर्मेंस और दूसरा थोड़ा पीछे चल रहे हैं. लेकिन जो भी आप स्टेट्स देखेंगे येलो में, प्रिडोमिनेंटली वो हिंदी हार्टलैंड से हैं. तो बाकी देश जो है वो आगे निकल गया है, और ये जो बेल्ट है वो थोड़ा पीछे चल रही है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का अलग इश्यू है, वो मैं आज नहीं कवर करूंगा. सो वेरी क्विकली आई शो यू ईच ऑफ दीज गोल्स एंड विच स्टेट इज टॉपिंग इन दी गोल्स. पॉवर्टी एलिवेशन तमिलनाडु, जीरो हंगर केरला चंडीगढ़, गुड हेल्थ वेल्थ बींग गुजरात दिल्ली, क्वालिटी एजुकेशन केरला एंड चंडीगढ़, जेंडर इक्वालिटी छत्तीसगढ़ एंड अंडमान निकोबार, गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन गोवा एंड लक्षद्वीप, गोल 7 अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी. नाउ हियर यू विल फाइंड ऑल द स्टेट्स कमिंग इन विच इज प्रिडोमिनेंटली ड्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ऑफ उज्ज्वला योजना. जो प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना थी एलपीजी सिलेंडर देने की वजह से, इस वजह से ये सारी स्टेट्स के नाम यहाँ पर आए हुए हैं. सो दिस इज नॉट सो मच फॉर देयर ओन एफर्ट, दिस वॉज द एफर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. गोल 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हिमाचल एंड चंडीगढ़. गोल 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात दिल्ली. गोल 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी मेघालय एंड चंडीगढ़. गोल 11 सस्टेनेबल सिटीज पंजाब एंड चंडीगढ़. गोल 12 त्रिपुरा जेएनके आर फॉर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन. गोल 13 क्लाइमेट एक्शन उड़ीसा एंड अंडमान निकोबार. गोल 14 लाइफ बिलो वाटर उड़ीसा, लाइफ ऑन लैंड अरुणाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़. And last one is peace, justice and strong institutions, Uttarakhand and Puducherry.
जो स्टेट्स हैं जिन्हें सो कॉल्ड बीमार हुए हैं वो कहीं भी इनमें फिगर नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द डेटा। अब आगे डेटा देखते हैं और ये डेटा मैंने कहां से लिया है, ये लिया है रिजर्व बैंक की हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2019-20। इससे ज्यादा ऑथेंटिक डेटा आपको मिलेगा नहीं। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है और ये हर साल पब्लिश की जा रही है 2016 से। ये पांचवा एडिशन है। RBI के in terms of RBI, the recent years there has been an increased recognition that geography matters for growth and development. This is the table of contents of that report. And anyone who wants to know more about the Indian states, this is the best place to look for. There is enormous amount of information here and it's very well produced report. You get the entire government data in a single place. So the first thing we look at is the GDP. सबसे पहले GDP देखते हैं 2013-14 versus 18-19। ये पांच साल में किधर गई है? ये GDP is at constant prices, which means inflation has been taken care of. Maharashtra is outnumbering any other state by miles. बहुत आगे है महाराष्ट्र। वो पहले भी पांच साल पहले भी बहुत आगे था और अभी भी नंबर वन स्टेट है। तमिलनाडु, देन फॉलोड बाय गुजरात, यूपी एंड कर्नाटका। उत्तर प्रदेश दूसरी पोजीशन पर होता था पांच साल पहले, जो अब स्लिप करके चौथी पोजीशन पर आ गया है और अभी भी वो कर्नाटका से उसका 19-20 का फाइट चल रहा है। बिहार बहुत ही नीचे है, वो पहले भी नीचे था और अभी भी नीचे है। जीडीपी बढ़ी है, ज्यादातर स्टेट्स की जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन रैंकिंग में वो करीब 20-25वें स्थान पर ही रहेंगे। सो द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पोजीशन एंड द सेकंड पोजीशन रिमेन्स ह्यूज। द गैप हैज ओनली वाइडेंड। महाराष्ट्र और नेक्स्ट स्टेट का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एक और बात नोट करिए कि पहली छह जो स्टेट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं 50% से थोड़ा ऊपर, 53% ऑफ आर जीडीपी कम्स फ्रॉम सिक्स स्टेट्स, विच इज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। बीमारू स्टेट्स में से केवल यूपी ही यहाँ पर है। द फिगर्स फॉर जीडीपी आर इमेटीरियल बिकॉज आई एम डूइंग एन कंपेरिजन। मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो फिगर्स पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये है figuratively, ये मैप पर मैंने दिखाया है कि जी डी पी की जो स्टेट्स हैं वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है जो डार्क ग्रीन में है, उसके बाद लाइट ग्रीन स्टेट्स हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एंड यूपी हैं, और जो मैरून स्टेट्स हैं वो उनकी जी डी पी बहुत कम है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं मोस्टली। लेकिन आप ऑब्जर्व करिए, जब मैं पर कैपिटा जीडीपी की बात करता हूं, जब पर कैपिटा जीडीपी यानी के जीडीपी को की उस स्टेट से पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए तो कहानी एकदम बदल जाती है। अब आप अगर देखेंगे तो यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सब लाल हो गए हैं, मतलब यहाँ के पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, जीडीपी पर कैपिटा इज वेरी लेस क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी यही, वो पहले भी जीडीपी भी कम थी और वो रेड जोन में आ जाते हैं। बीमारू स्टेट्स में से केवल राजस्थान एक ऐसा है जो के इस पैरामीटर पर इट इज डूइंग बेटर। अब आते हैं पॉपुलेशन पर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन अ 10 ईयर पीरियड। यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ 1951-61 पीरियड विद 2001-2011। ये 50 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है। चंडीगढ़ इज एन एबरेशन क्योंकि 50s में चंडीगढ़ बना था तो वहां पे इन्फ्लक्स ऑफ अदर पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस वाज देयर, दैट्स व्हाई द पॉपुलेशन ग्रोथ इज शोन वेरी हाई। तो इसको फिल्टर आउट करके जस्ट वील कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज आर फोकस स्टेट्स। बिहार में 10 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी है,
झारखंड में पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी है, राजस्थान में कम हुई है, मध्य प्रदेश में कम हुई है, यूपी में कम हुई है, बाकी सब जगह जो यूपी में बढ़ी है, सॉरी यूपी में पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान में कम हुई है, बाकी जितनी भी फॉरवर्ड स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, वेस्ट बंगाल, इसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुआ है इन द लास्ट 50 इयर्स। लास्ट में जो आप देख रहे हैं वो ऑल इंडिया फिगर्स हैं जो येलो में है। ये सारी जो फॉरवर्ड स्टेट्स हैं इनकी ग्रोथ रेट इंडिया एवरेज से कम है, और जो बीमारू स्टेट्स हैं और झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब इंडिया एवरेज से ऊपर है। दैट मींस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स आर बीइंग ड्रैग्ड अप बाय द लोअर परफॉर्मिंग स्टेट्स। दिस इज सम डेटा व्हिच यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। बीमारू स्टेट्स की पॉपुलेशन आज की तारीख में करीब 55 करोड़ है, जो के हमारे कंट्री का 40.8% पॉपुलेशन है। 40.8% पॉपुलेशन कम्स फ्रॉम दीज फाइव स्टेट्स। देन द टॉप जीडीपी में जो स्टेट्स हैं वो उनकी पॉपुलेशन अगर आप ऐड कर लें तो वो है 42 क्रोर्स, व्हिच इज अबाउट 31%। 31% ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री कंट्रीब्यूट ओवर 50% ऑफ जीडीपी एंड द रिमेनिंग 70% कंट्रीब्यूट 50%, which means there is a huge productivity gap between the performing states and the other states. Sex ratio, यानी कि male female percentage, this is a matter of concern for the entire country. हमारे यहाँ sex ratio पिछले 60 साल में 1951 से और 2011 तक ये marginally गिरा है। There are fewer females today than we had 60 years ago for every 1000 males. Overall आप देखेंगे पिक्चर तो ज्यादातर स्टेट्स में ये या तो मेंटेन हुआ है या नीचे आया है। वेरी फ्यू स्टेट्स हैव डन बेटर ऑन दिस अकाउंट, बारिंग अ फ्यू लाइक केरला, देर आर नॉट मेनी हु कैन बोस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मेल फीमेल रेशियो। देन अगर आप देखेंगे केरला में ये सेक्स रेशियो, यहाँ दिस इज द ओनली स्टेट वेयर देर आर मोर फीमेल्स देन मेल्स, बाकी जगह झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पे सेक्स रेशियो गिरा है, मार्जिनली बेटर है यूपी एंड राजस्थान। सेक्स रेशियो इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर सोसाइटी। क्या हम लोग पिछले 50-60 साल में बदले हैं? ये देख के नहीं लगता कि एज अ नेशन वी हैव इम्प्रूव्ड ऑन दिस पैरामीटर। नाउ लेट्स लुक एट सम हेल्थ पैरामीटर्स। अकॉर्डिंग टू मी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज वन ऑफ द बेस्ट पैरामीटर्स टू जज एनी गवर्नमेंट और स्टेट फॉर इट्स हेल्थ सर्विसेज। हाउ वेल डू वी टेक केयर ऑफ आर प्रेग्नेंट लेडीज एंड हाउ वेल डू वी प्रोवाइड प्रीनेटल केयर। हमारे यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज का ये एक मापक है कि पर हजार कितने बच्चे मर जाते हैं। पिछले 5-7 साल में, दशक में ये फिगर बहुत कम हुआ है और तेजी से गिरा भी है। हेल्थ सर्विसेज में सुधार हुए हैं लेकिन आज भी ऑन अ ऑल इंडिया बेसिस दिस फिगर इज 32। हमारे यहाँ पे 32 डेथ्स पर हजार होती हैं। And this is no matter of pride. जो advanced countries हैं वहां पे infant mortality rate is around 4 to 6 per 1000, which means today we are standing at 6 times the figure of other countries. हमारे यहाँ 6 गुना ज्यादा बच्चे मर जाते हैं। तो आइए देखते हैं जो बीमारू states हैं उन्होंने इस parameter पर कैसा किया है। अगर आप देखेंगे तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हर जगह कम हुआ है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में कम हुआ है, यूपी में कम हुआ है, सभी बीमारू स्टेट्स में ये कम हुआ है। लेकिन
जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स रहे हैं वो रहे हैं गुजरात, जे एन के, दिल्ली एंड केरला ऑन दिस फ्रंट. सो दीज स्टेट्स दो दे हैव डन वेल दे स्टिल नीड अ लॉन्ग वे टू गो. इन द एंड आई हैव चोजन अ मोर मॉडर्न पैरामीटर और अ फ्यूचरिस्टिक पैरामीटर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. यहाँ पे ये मापदंड केंद्रीय सरकार ने हर स्टेट को दिए हैं, जिसके अगेंस्ट ये रैंकिंग हर साल की जाती है. 2015 से 2019 ये चार साल में जो रैंकिंग्स हैं वो हम देख लेते हैं, एंड प्रोबेबली वील एंड ऑन अ हैप्पियर नोट. जो बीमारू स्टेट्स थे उनकी बाकी पैरामीटर्स पर परफॉर्मेंस जो थी वो पुअर रही थी, लेकिन हर कोई वॉन्ट्स टू डू बेटर. एंड इट्स गुड टू सी के यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड राजस्थान आर फिगरिंग इन द फर्स्ट 10 इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, के ये स्टेट्स में बिजनेस करना बहुत आसान है. और जो पुरानी हमारी स्टेट्स हैं लाइक महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत पीछे हैं. तेलंगाना नंबर 3 प्लेस पर है. तेलंगाना क्योंकि मैं हैदराबाद से आता हूँ, एक्चुअली आई रियली नो हाउ सिंपल इट इज टू डू बिजनेस हियर. यू जस्ट स्टार्ट डूइंग बिजनेस एंड द रेस्ट द स्टेट टेक्स केयर. तो होपफुली यूपी इज डूइंग बेटर. वहां का डिटेल्स मेरे को नहीं पता है, बट डेटा के हिसाब से यूपी इज नंबर 2 एंड आंध्र इज नंबर 1. So with this, I leave it to you के जज करिए कि ये बीमारू स्टेट्स अभी भी बीमारू हैं या नहीं. The only thing I can add is कि it looks like Rajasthan is doing better. Rajasthan अच्छा कर रहा है. तो 5 स्टेट्स जो 4 स्टेट्स थी उसमें से राजस्थान निकल जाता है. बाकी स्टेट्स में अभी they have a very long way to go. And the only other negative indication is that Odisha may soon get added to the Bimaru list, which is not good. Today I have not gone into analyzing Odisha, maybe some other day. Thank you very much. Namaskar.